अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। पारी शरीफ खुबा कॉलोनी के इलाके में मुसलसल आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पर ना ड्रेनेज का कोई सहूलत है, ना पानी की, ना सड़क की। आइए देखते हैं सपोर्ट। शाहीन नगर खुबा कॉलोनी के इलाके में मुसलसल आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ड्रेनेज का मसला, पानी का मसला और सड़क का मसला मुसलसल वैसे ही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। आज क्राइम टुडे से बात करते हुए ये लोग सारे तफसीलात बताई। मैं हमीद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। उस्मानिया होटल से आती है, इतना कच्चा है, गंदा और सांपा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे है ना, स्कूल को जाते डेली वहाँ डाल के। तकरीबन पाँच चार साल से बोल रहे हैं, तकरीबन पाँच साल से, यानी कि तकरीबन 15-20 साल से है ये, मगर पाँच साल से मैं है ना सब लीडरों को सबको बताया। 1 2 3 4 हेलो, 1 2 3 4 हेलो 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 हेलो। अब इस भाई फोन अच्छा है तुम्हारा, जबरदस्त दिख रहा फोन, बेहतरीन फोन। ये शाहीन नगर खुबा कॉलोनी में आता, बड़ी मोहरी है ये, मतलब 20 साल से हम लोग भी रह रहे, मगर कोई चीज़ की सहूलत नहीं है, ना ड्रेनेज है, ना पाइपलाइनिंग है, ना रोड है, ना नल है, कोई चीज़ की हमारे को सहूलत नहीं है। सब आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कुछ, कोई भी कुछ नहीं कर रहे। हमारे डिप्टी सीएम महमूद अली साहब भी आए, देखे, महीने दो महीने में कराता हूँ बोले, मगर कोई काम नहीं बना। क्या करना, अब घर आन छोड़ के जाना, रहना समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं सबिता इंदिरा रेड्डी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी है काम थोड़ा कराना। रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और ड्रेनेज की लाइन घर के सामने से जा रही। बीमारियां, बच्चे है, डेंगू बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड, छोटे छोटे बच्चे है, ज़रा इसका इंतज़ाम करे तो ठीक रहता था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये डिमांड है, ये तकरीबन 10-12 साल से ये नाला चल रहा, उस्मान ऊपर उमर कॉलोनी ऊपर से है ना, पूरा डायरेक्ट मेन नाला है ये ड्रेनेज। हम है ना इसके लेटर डिप्टी सीएम साहब जब थे, होम और एमएलए साहब को और कमिश्नर साहब को, एमपी को, सबको लेटर दिए। आज है ना 2-3 साल हो गया, और कमिश्नर साहब को भी दिए, आज तक कोई काम नहीं हुआ। और डेली हम है ना तकरीबन ऑफिस को जा रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ भी काम ना काम करे वो लगा होता बोल के आ जाना, ये करें। आज है ना हम तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब को भी और केटीआर साहब को और मैडम को, सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम साहिबा को भी है ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम, कई मरतबा मैं बताया आपको भी, मगर आज है ना ये और तकलीफ में है। हम यहाँ पानी नल नहीं है, और ना यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है मेन, यानी कि हालांकि मेन रोड को है, ये मेन रोड को बाजू में छे। कई मरतबा ऑफिसरों को बताए तो अच्छी बात है, हम करते बोल के आज तक करे नहीं। मैडम हमारा रिक्वेस्ट है, ये रोड को ड्रेनेज भी नहीं है, और आने के लिए जाने के लिए पब्लिक को चलने के लिए, और यहाँ खंभे भी नहीं है मैडम। आज कई मरतबा ऑलरेडी हम है ना यही डी को है ना मैं सबमिट करा पेपर, आज तक है ना वो सबमिट करे सो पेपर है, या तुगुड़े में जाके सबमिट करे, आज तक मैडम यहाँ खंभा अलाइनमेंट नहीं करे। ये इतना मजबूर हो गया है ना, मैं हालांकि है ना मैं काम कर रहा हूँ बस्ती का, ये है ना खुबाव कॉलोनी में आता, मीनार कॉलोनी को लगता है अभी, और आइए बोबरची अभी बनी हो, ये 35 साल के प्रॉपर्टियाँ हैं सब, ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं और करंट बिल पे कर रहे हैं। आप इंक्वायरी कर सकते हैं इसमें, हमारा कोई भी पेमेंट इनमें इसमें रुका तो आप बात कर सकते हैं। मगर देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे 50-60 बच्चे हैं, और है ना डेंगू से परेशान हो रहे हैं अभी भी हो ना। मैडम आए खुश हो गए, क्योंकि हम है ना ये ड्रेनेज है ना ओपन ट्रेंच बनाना है इसको, थोड़ा टुकड़ा है मैडम, तकरीबन मेरे ख्याल से ये देखिए 20-25 लाख का काम है, ये 20-25 लाख का मोहताज है। आज है ना या 5-6 साल से सफ़र हो रहे हैं करते बोल के, वैसा तो 35 साल से है, आज सफ़र हो रहे हैं हम, फिर भी मैडम यहाँ सीट कई मरतबा कंप्लेंट करा, रिकॉर्ड है लिखा रिकॉर्ड है मेरा, और ऑनलाइन में रिकॉर्ड है। जलपली कमिश्नर साहब को बोले तो अच्छी बातें करो, उन्हें बोल रहे हैं वक्ते तौर पे बोल रहे हैं वहाँ पर ऑफिसरों को, बस भूल जा रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट है मैडम, ये एक ड्रेनेज का हमारे पाइपलाइन का क्या करते हैं कराओ मैडम, और एक सिटी लाइट नहीं है, बच्चे डेंगू से परेशान है,
और यहाँ बाजू में मरकज़ है और यहाँ पर शाम में पानी रुक जाता और ये लाइन ड्रेनेज नहीं है, पर सिटी लाइट लाइट ऑन ही है इसमें अरेंज। लाइटों की वजह से कई मरतबा गया मैं जलपल्ली को म्यूनसिपल में, अब डालते हमारे वो नहीं है ये नहीं है बोल के ओला खुद बोल रहे हैं। अब है ना मैडम दूसरी जगह है ना, इतना डेवलपिंग हो रहा, इतना डेवलपिंग हो रहा एरिया, तेलंगाना गवर्नमेंट इतना कर रही, ये जलपल्ली म्यूनसिपल में हमें इतना रिक्वेस्ट करते पर भी है ना हमारे कमिश्नर साहब है ना कोई काम नहीं करे आज तक। कमिश्नर को कई मरतबा जाके रिक्वेस्ट करे प्लीज़ बोल के, प्लीज़ सर ये ज़रा आगे चेक विजिट भी करे उन्होंने, सर आप आके देख, आप मैडम देख सकते हैं विजिट करिए आप मैडम, मैडम हमारा रिक्वेस्ट है ये है ना, यहाँ पानी 50 घर 50-60 घर रुक गए फिर भी जाके मैं है ना डिपार्टमेंट को बोले तो भी बोल रहे हैं भाई हम नहीं अब नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता मैडम। मैडम मजबूर होके है ना मैं आज है ना मीडिया को लाके मैं बात कर रहा हूँ, इसके जरिए मीडिया के जरिए दुनिया को मालूम होना है। शुक्रिया मैडम।